देसी भाषा में कहूँ शमशेर जी कि जिला महेंद्र का गढ़ का लोगों का गोड्डा थोड़ी टूट रहा सी, वो कमर कस के तैयार खड़ा सी, मारा पानी नन्ना आज ले जान दा ना तड़के ले जान दिया, जय बात सिर पर कह गई तो लोगों ने तैयार करके आंदोलन में खड़े हो आंदोलन कर। यहाँ के राजनेताओं के पास समय नहीं है, यहाँ के राजनेता अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, व्यवसाय में व्यस्त हैं, तो उसका दुष्परिणाम जो है वो महेंद्रगढ़ जिले को देखना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं, और उपस्थित हूं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डीसी यहां हम तहसील जो है इसके अंदर आए हैं। मंगलवार का आज दिन है, डीसी साहिब आज यहां पर पहुंची हैं। विशेष बात यहां पर यह कि आपने हमारे चैनल के ऊपर जल युद्ध और महेंद्रगढ़ मर जाएगा प्यासा इस तरह की सीरीज़ देखी होगी, जिस सीरीज़ में आज अगर हम बात करें तो यहाँ के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं वो सभी के सभी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। डीसी साहिबा को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि वो डीसी साहिबा को सारी जो समस्या है उससे अवगत करा रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिला ये बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो अभी हमारे साथ जो हैं राधेश्याम गोमला जी, जो काफ़ी प्रचलित हैं अपने सामाजिक कार्यों के लिए, वो जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद जी। अच्छा, आपका और आपके सभी। मैं सीधे पॉइंट पर बात करूंगा कि वैसे तो जो टॉपिक है हम अपने चैनल पर काफ़ी दिखा चुके हैं, समस्या सबको पता ही है। इस समस्या से आज आपने डीसी साहिबा को अवगत कराया, क्या रिस्पॉन्स था, क्या कहा? देखो, जो उपायुक्त महोदया को हमने ज्ञापन दिया, सारी बातें बताई, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से पहले भी प्रसारित हो चुका है। आज इस विषय में आदरणीय उपायुक्त महोदया को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने हमारी बात तसल्ली से सुनी है और उन्होंने स्पष्ट कहा भी है कि जिले का जो पानी है वो जिले से बाहर नहीं जाएगा। और हमारी भी यही मांग है कि अगर अलग से कमांड के कोई जो गांव हैं उनको अलग कमांड से पानी दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी पानी की अगर आवश्यकता है तो वहाँ से लें, हमारे हक का पानी क्यों लिया जा रहा है। तो उपायुक्त महोदया ने आश्वासन दिया है कि किसी भी सूरत में पानी जिले का बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि बवा बिसवा के बीच में जो जवाहरलाल नेहरू कैनाल पर एक पंप हाउस है जिसको MC2 का नाम दिया गया है, उस MC2 में एक नहर नांगड़ चौधरी तक जाती है, एक नहर सतनाली तक अलड़ी जाती है, उसमें एक फीडर और बनाने का इन लोगों ने अंदर खाने तैयार किया है, मैं तो षड्यंत्र ही कहूँगा इसको। इसमें दो तीन लोग शामिल हैं और उसके जरिए जिले के पानी को दादरी मंडल में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात जो ही जिला के लोगों को पता चली तो उसका परिणाम है कि आज इस ज्ञापन देने के अवसर पर 17-18 जो संगठन हैं और राजनीतिक दल भी इसमें बड़े ज़ोर शोर से शामिल हुआ, जैसे कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हुए, जैसे बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष शामिल हुए, जैसे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष शामिल हुए, इसी तरह अनेक संगठनों के, जैसे हमारा सर्व समाज मंच तो शुरू से ही ये मुद्दा लेके चल रहा है। तो आज के ज्ञापन देने के अवसर पर जिला उपायुक्त महोदया ने जो हमें आश्वासन दिया, हम संतुष्ट हैं। हमें लगता है कि जो महोदया ने कहा है वो बात पर खरी उतरेंगी। अच्छा, विधायक सांसद सभी मतलब पानी को यहाँ से ले जाने की कोशिश में है, आपने ज्ञापन दिया है, मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता, ये सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती रहती है, पानी यहाँ से जाने वाला है, तो फिर क्या करेगा सामाजिक? तो भाई, अपनी देसी भाषा में कहूँ शमशेर जी कि जिला महेंद्र का गढ़ का लोगों का गोड्डा थोड़ी टूट रहा सी, वो कमर कस के तैयार खड़ा सी, मारा पानी नन्ना आज ले जान दार ना तड़के ले जान दिया, जय बात सिर पर कह गई तो लोगों ने तैयार करके आंदोलन में खड़े होकर आंदोलन करेंगे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो बात हुई है खास तौर पर यह है कि डीसी साहिबा को ज्ञापन सौंपा गया, उसके पश्चात हमने जैसे आपकी मुलाकात करवाई तो सभी समाज के जो लोग हैं उन समाज के साथियों का कहना है खास अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं वो डॉक्टर मनीष हैं। डॉक्टर मनीष जो आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता संयोजक भी रहे हैं यहाँ पर महेंद्रगढ़ के अंदर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं सर जी। तो बहुत सारे मुद्दों पर आपने हमने बातचीत करी है, लेकिन आज जो है वो जल के बारे में है, क्या कहेंगे इस विषय के बारे में खासतौर? देखिए, इस विषय के बारे में मैं यही कहूँगा कि महेंद्रगढ़ ज़िले को पहले ही जल के लिए जो महेंद्रगढ़ ज़िला लड़ाई लड़ रहा है कि हमें अपने अधिकार का जो जल है वो हरियाणा से मिले, हरियाणा सरकार से मिले, किसी तरह जो थोड़ा बहुत पानी पहुँचना शुरू हुआ है उस पानी के पहुँचने
की शुरुआत में ही अगर सरकारें इस तरह का षड्यंत्र इस ज़िले के साथ कर रही हैं कि उसके पानी को फिर से एक अलग फीडर निकाल के और वापस घुमा दिया जाए, यानी कि उसमें अगर दो फीडर निकल के महेंद्रगढ़ ज़िले की पूर्ति दे रहे थे तो एक तीसरा फीडर और उसमें जोड़ने के बाद वो वापस दादरी ज़िले की तरफ घुमा के पानी को ले जाने का प्रयास जो सरकार कर रही है, तो इस षड्यंत्र के खिलाफ आज ये ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री महोदय को चेताया है कि सरकार इस तरह का कार्य ना करे, महेंद्रगढ़ ज़िले की जो मांग है जल को लेके वो आप बढ़ाएं, जो जल हमें मिलना चाहिए, जो अधिकार महेंद्रगढ़ का है उसको आप पूरा करने का काम करें, ना कि जो आप दे रहे हैं उसमें से भी चुराने का काम करें। अच्छा, विधायक और जो सांसद साहब हैं वो खुद ही पत्र लिख रहे हैं, मतलब सरकार तो खुद ही पानी लेकर जा रही है। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि आज ज्ञापन सौंपा फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? देखिए, सांसद साहब के पत्र की बात आ रही है, दादरी की विधायिका की बात आ रही है और अन्य विधायक की बात आ रही है, तो ठीक है वो अपने इलाके की कोई मांग करते हैं, उनको पानी लेना है, सरकार से मांग करनी है, आप और कोई परियोजना रखो और नहर बनवाओ कुछ भी करो, लेकिन महेंद्रगढ़ के लिए तो पहले ही आप जब पूरी मात्रा में पानी नहीं दे पा रहे तो महेंद्रगढ़ को जाने वाली नहर से आप कैसे पानी ले सकते हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार अगर इस तरह का काम करेगी, जो मात्रा महेंद्रगढ़ को आज मिल रही है उसमें बढ़ोतरी करने के बजाय अगर कटौती करने के ऊपर वो काम कर रही है, तो इलाका पूरी दमखम से हम लोग आवाज़ उठाएंगे, विरोध करेंगे इसका, और हमारे प्रयास ही रहेंगे कि सरकार इस काम को रोके और यहाँ पे पानी और कैसे लाया जाना, यहाँ की जलपूर्ति कैसे की जा सकती है, इस पे सरकार काम करे, इसके लिए संघर्ष करेंगे। मतलब बहुत अच्छी बात है, विरोध करेंगे। महेंद्रगढ़ के साथ ही ऐसा क्यों होता है खासतौर पर? देखिए, ये चाहे कोई भी, अगर आप इसको कह रहे हो कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है, तो सीधी सी बात है, इसके लिए जिम्मेदार है राजनीति। राजनीति तब जिम्मेदार होती है जब दूसरे लोग हावी हों आपके राजनेताओं पे, आपके राजनेता चुप रहें, आपके राजनेता शांत रहें, वो समझौता करें आपके इलाके की सुविधाओं का, आपके इलाके के अधिकारों का। तो यही है, हमारे इलाके के अगर राजनेता मुखर रूप से सरकार के सामने खड़े होते तो सरकार की हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह के प्रयास करे और काम इन परियोजनाओं पे करना शुरू कर दे, लेकिन यहाँ के राजनेताओं के पास समय नहीं है, यहाँ के राजनेता अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, व्यवसाय में व्यस्त हैं, तो उसका दुष्परिणाम जो है वो महेंद्रगढ़ ज़िले को देखना पड़ रहा है, यहाँ के नेता जो है उनकी कमजोरी का दुष्परिणाम हमें देखना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर मनीष जी के साथ हम थे, जो आम आदमी पार्टी से हैं, खासतौर पर ये भी इसे जो ज्ञापन सौंपने वाले जो ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे उस ग्रुप में शामिल थे। सामाजिक संगठन बहुत सारे यहाँ पर मौजूद और बहुत सारे अध्यक्ष वगैरह पहुँचे थे। बाकी अभी और भी साथियों से करेंगे आपकी बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।